राधे राधे। पिछले वीक में राधाष्टमी भी थी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने राधाष्टमी के दिन राधा जी को मनाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया गया होगा। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न तो भगवान विष्णु प्रसन्न, विष्णु जी प्रसन्न तो लक्ष्मी जी प्रसन्न। तो देखा जाए तो एक पूरी साइकिल है। राधा जी को मना के आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। आशा करता हूँ पिछला वीक सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए अच्छा रहा होगा। आने वाला वीक जो सितंबर माह का पहला सप्ताह है, सभी राशि के सभी डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ रुद्राक्ष है छह मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। कार्यस्थल पर पद और सम्मान दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। यदि आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में वृद्धि होगी। नए कार्य को शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। आपको छोटी दूरी की यात्रा करने की भी जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह छात्रों के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, परंतु अगर आप मेहनत करते हैं तो नतीजे और परिणाम आपके पक्ष में ही होंगे। सप्ताह प्रेम संबंधों के हिसाब से बेहद ही अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। पारिवारिक जीवन में हालांकि कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किसी फैमिली के बड़े बुजुर्ग से विवाद की संभावना भी दिखाई देती है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक रहेगा, परंतु वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आपको अपनी माता जी की भी सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों के लिए जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, माता जी का आशीर्वाद लेके हर कार्य के लिए निकलना शुभकारी रहेगा। माता को मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन स्पेसिफिकली खीर का भोग लगा के बाकी लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को खाना भी इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। दही से स्नान करना एक दूसरा उपाय है। शहद, सौंफ, खांड आदि का दान करना भी इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। काली गाय या लाल गाय की सेवा करना और डेली उनको पालना या खाना खिलाना भी इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। माता सरस्वती की पूजा करना, चांदी की अंगूठी दाएं हाथ के अंगूठे में पहनना आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में ये उपाय मददगार साबित होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये सारे उपाय यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पाएँ तो कुछ स्पेसिफिक जो उपाय हैं, जैसे अच्छे विचार, अच्छे कर्म, यदि ये आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, बुजुर्गों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों को दान देना, अपनी आय का एक पोर्शन मंदिर में या फिर गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान करना, ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो केवल आने वाले सप्ताह को ही नहीं, आने वाले हर एक सप्ताह या फिर लाइफ लॉन्ग आपके लिए, आपको आने वाले पिछले प्रॉब्लम्स जो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से डिसाइडेड हैं कि वो उस समय पे आएंगी, उनसे सभी से दूर रखेंगे और आपके हर एक सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा शुभकारी रहे, मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।